नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बथुआ के बारे में। बथुआ जो कि एक प्रकार का साग है, उसके बारे में एक्सपर्ट की सलाह से हमेशा साग खाने पर जोर दिया जाता है, चाहे वह कोई भी साग हो। वैसे ही एक मशहूर साग में बथुआ का नाम भी शुमार है। बथुआ हर घर में खाया जाने वाला एक आम साग है। इसमें बहुतायत मात्रा में विटामिन ए, कैल्शियम, फॉस्फोरस और पोटेशियम होता है। कई बीमारियां दूर करने के लिए बथुए का प्रयोग किया जाता है। एशिया समेत यह अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बथुआ के साग खाने के फायदे विस्तार से बताऊंगी। बालों का ओरिजिनल कलर बनाए रखने में बथुआ आंवले से कम गुणकारी नहीं है। इसमें विटामिन और खनिज तत्वों की मात्रा आंवले से ज्यादा होती है। इसमें आयरन, फॉस्फोरस और विटामिन ए और डी काफी मात्रा में पाए जाते हैं। बथुए की पत्तियों को कच्चा चबाने से सांस की बदबू, पायरिया और दांतों से जुड़ी अन्य समस्याओं में फायदा होता है। कब्ज से राहत दिलाने में बथुआ बेहद कारगर है। ठिया, लकवा, गैस की समस्या में यह काफी फायदेमंद है। भूख में कमी आना, खाना देर से पचना, खट्टी डकार आना जैसी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए भी बथुआ खाना फायदेमंद हो सकता है। बथुआ और गिलोय का रस लेकर एक सीमित मात्रा में दोनों को मिलाएं, फिर इस मिश्रण का 25 से 30 ग्राम रोज दिन में दो बार लें। इससे पीलिया में कुछ हद तक फायदा मिलेगा। बथुआ को 4-5 नीम की पत्तियों के रस के साथ खाने से खून अंदर से शुद्ध होता है, साथ ही ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक रहता है। बच्चों को कुछ दिनों तक लगातार बथुआ खिलाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। बथुआ पेट के दर्द में भी फायदेमंद होता है। बथुए को उबालकर इसका रस पीने और सब्जी बनाकर खाने से चर्म रोग जैसे सफेद दाग, फोड़े, फुंसी, खुजली में भी आराम मिलता है। साथ ही यह भी जाने कि बथुए को हमेशा एक लिमिट में खाना चाहिए, क्योंकि इसमें ऑक्सैलिक एसिड का लेवल बहुत ज्यादा होता है। इसे ज्यादा खाने से डायरिया भी हो सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। हम आशा करते हैं कि बथुआ से संबंधित हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप किसी विषय पर हमसे कुछ और पूछना चाहते हैं तो हमें आपके सवालों के जवाब देने में खुशी होगी। आप हमें अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।